हाँ बेटा, ओल्ड वीडियोज में है ये सब, जो रिकॉर्डेड वीडियो है ओल्ड वीडियोज में मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और जहां पर भी डाउट होगा या चीज जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, दोबारा पूछ लेना मुझसे, ठीक है। यस तो सर। क्योंकि 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, 2 चैप्टर, एक तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया है, दूसरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, में थर्ड चल रहा है, ठीक है। जी सर। तो ये जो चैप्टर है तो बीच में तो 50% तो कंप्लीट हो गया है चैप्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। अभी तो फिलहाल तो ये तो नहीं समझने वाला हाइब्रिडाइजेशन, इसके आगे जब मैं एमओ थ्योरी पढ़ बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, तो मैंने इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया था। एक बात और, तुम लोगों का मंडे को टेस्ट होने वाला है ना, फोर्थ यस नाइटली टेस्ट, यस तो फोर्थ नाइटली टेस्ट में आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं आएगा, इससे पहले जो पढ़ाया जा चुका है वो आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास छोड़कर बाकी सब चीजें आएगा। तो आ जाते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन पर। तो मैंने मिथेन बताया था, मिथेन का स्ट्रक्चर बताया था कि मिथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और मैंने ये बताया था कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, ठीक है। जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर मिथेन में कितना होता है बेटा, 109°28', ठीक है। तो ये मैंने बताया था, दिखाया भी था इस तरह से कि यहाँ पर जो मिथेन है इसका जो स्ट्रक्चर कैसा हो, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म बने करेगा यहाँ पर, इसको अगर मैं बात करूँ, है ना, तो ये एटम, दूसरा एटम, तीसरा, अगर इन तीनों को मिलाओगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो और एक ट्रायंगल के सेंटर होगा, सेंटर के ऊपर यहाँ पर एक थर्ड एटम प्लेस करोगे तो टेट्राहेड्रन बन जाएगा। तो ये 3 डायमेंशनल शेप है, यहाँ पर जो एंगल है बेटा ये प्लेनर एंगल नहीं है, यहाँ पर 3 डायमेंशनल एंगल है, तो इसलिए 109°28' यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आगे जाते हैं बेटा, आगे है हम लोग देखना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ vf3। तो जिसको लास्ट क्लास में CH4 समझ में नहीं आया था कि कैसे CH4 बना था, वो लोग यहाँ पर केयरफुली देखेंगे कि vf3 कैसे बन रहा है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा चीजें। जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो न्यू स्टूडेंट भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो vf3 मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। जब भी VBT में कोई स्ट्रक्चर बनाना हो या VBT को एक्सप्लेन करना हो तो वहां पर तुम सेंट्रल एटम ढूंढोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है बेटा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, तो बोरान मैक्सिमम सर नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। बोल तो सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या होगा बेटा, हाँ, तो सेंट्रल एटम यहाँ पर हो जाएगा बोरान, ठीक है, बोरान यहाँ पर सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो अब बोरान का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो बोरान का तुमने सिंबल भी लिख दिया, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, तो मालूम होना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्री लिखोगे 1s2, 2s2, 2p1। तो आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, ठीक बेटा। तो लास्ट क्लास में कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो CH4 है कैसे मालूम चला कि मिथेन ने 4 बॉन्ड बनाया, है ना, कुछ लोग पूछ रहे थे कैसे मालूम चला सर। देखो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन 4 एटम्स जुड़ रहा है, कार्बन जो है 4 एटम से बॉन्डेड है यहाँ पर, है ना, तो 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा मिनिमम। इस तरह तुम्हें मालूम चल जाएगा जितने सराउंडिंग एटम है कम से कम उतना बॉन्ड तो बनेगा ही मिनिमम। तो अब यहाँ देखो बोरान के सराउंडिंग में कितने एटम है, 3 एटम, 3 फ्लोरिन से बॉन्ड बनाया हुआ है बोरान, इसका मतलब जो बोरान है वो 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा, यहाँ पर तो केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर केयरफुल यहाँ पर देखोगे तो जो बोरान एटम है, बोरान एटम के पास केवल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा, तो दिख रहा होगा बोरान एटम के पास केवल, हाँ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो केवल एक ही बॉन्ड बना पाएगा। तो अब क्या होगा बेटा, जो बोरान है वो कहाँ जाएगा, बोरान ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ना, तो जो 2s का इलेक्ट्रॉन है
वो 2p में जाएगा एक्साइट होकर, ठीक है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है 2s का, ठीक है, तो वो एक्साइट होगा, एक्साइट होने वाला 2s से कहाँ जाएगा बेटा, 2s से 2p में जाएगा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, एक मिनट में। अब सही आ रहा है या ब्रेक हो रहा है अभी भी? सही है सर, सही है सर, सही है। आवाज आ रहा है? क्लियर, ठीक है सर। एक बार एक्साइट वाला समझा दो दोबारा। आवाज मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। आवाज आ रहा है ना क्लियर? यस सर, क्लियर आ रही, क्लियर आ रही। चलो ठीक है, देखते हैं दोबारा। तो देखो पहले तुम क्या लिखोगे, जब भी तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले तुम सेंट्रल एलिमेंट का या सेंट्रल एटम का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आता है तुम्हें, ये तो तुम्हें मालूम होगा। इसमें भी डाउट है किसी को? न्यू स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो पहले वाले स्टूडेंट है बेटा उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है बताया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डाला, 1s2 2s2 2p1। तो बोरान के सराउंडिंग में कितने एटम है? बोरान के सराउंडिंग में कितने एटम है? तीन एटम है ना। तो बोरान कितना बॉन्ड बनाएगा? जितना सराउंडिंग एटम उतना बॉन्ड, ठीक है। याद रखो जितने सराउंडिंग एटम उतने सिग्मा बॉन्ड, याद रखो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बेटा। इसमें आवाज तो नहीं कटना चाहिए क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक आ रही है सर, आवाज सही आ रहा है बेटा तुम्हारा? देखो कुछ प्रॉब्लम होगा उस साइड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। हाँ मैं स्लोली स्लोली बोल रहा हूँ ताकि आवाज कट भी रहा तो फिर जुड़ कर तुम्हें सुनाई देगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, तो जितने सराउंडिंग एटम है उतने सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सराउंडिंग एटम है बेटा? तीन सराउंडिंग एटम। तो बोरान कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? थ्री सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर तीन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अब देखो बॉन्ड कौन सा इलेक्ट्रॉन बनाएगा, इनर ऑर्बिटल वाला या आउटर वाला? आउटर, है ना? जो आउटर वाला इलेक्ट्रॉन है वही बनाएगा बॉन्ड। तो अब यहाँ पर तुम इसका ऑर्बिटल तुमने बना दिया, इस तरह से ऑर्बिटल बन गया, है ना। सॉरी यहाँ पर मैं इसका ये हो गया एस ऑर्बिटल, ये हो गया पी ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन? देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल में टू, पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हाँ तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p में एक इलेक्ट्रॉन। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर? वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीन सिग्मा बॉन्ड के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहाँ देखो तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो तीन सिग्मा बॉन्ड के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो जो बोरान है ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में, मतलब इस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इस 2p में जाएगा, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा? एक तो पहले से था, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर देखोगे पहले कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया? तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया एक्साइटेड स्टेट बोरान। अब ये जो बोरान है फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जो फ्लोरीन है फ्लोरीन के पास, जो फ्लोरीन बेटा फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? बोरान तीन बॉन्ड बना रहा है तो फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो फ्लोरीन के पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बेटा फ्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ठीक है। 1s2 2s2 2p5। अगर तुम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो यहाँ पर दिख रहा होगा,
जो 2s ऑर्बिटल उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, और जो 2p ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरिन के पास, तो अब यहाँ पर एक्साइटेशन होगा बेटा फ्लोरिन में, नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लोरिन में एक्साइटेशन नहीं होगा, तो जो तीनों फ्लोरिन है आराम से यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, है ना। लेकिन बॉन्ड बनाने से पहले क्या होगा बेटा, यहाँ देखो ये है 2s ऑर्बिटल और ये क्या है बेटा 2p ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल अलग अलग। yes. बॉन्ड बनाने से पहले क्या होगा बेटा, दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। हाँ, तो हाइब्रिडाइज होने के बाद तीन इक्वल, देखो तीन ऑर्बिटल यहाँ पर मिक्स कर रहे हो तुम, हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है मिक्सिंग, ठीक है। तीन ऑर्बिटल को तुमने मिक्स किया, एक 2s ऑर्बिटल और दो 2p ऑर्बिटल, ठीक है, एक 2s ऑर्बिटल दो 2p ऑर्बिटल, तो एक s ऑर्बिटल दो 2p ऑर्बिटल या फिर p ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नेमिंग क्या करोगे इसका, एक s ऑर्बिटल मतलब s हो गया, दो p ऑर्बिटल मतलब p2, तो क्या बोलोगे इसको, sp स्क्वायर नहीं बोलोगे, sp2 बोलोगे, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, ठीक है, स्क्वायर मत बोलना। तो अब इसमें हर एक ऑर्बिटल में कितना टर्म, देखो यहाँ पर 2s में एक इलेक्ट्रॉन और ये 2p में दो इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर तीन इलेक्ट्रॉन है ना, तो तीन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस तरह से रख दोगे, तीन इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखें इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो तुमने बनाया है, यहाँ जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये कैसे दिखेगा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें देखना होगा कि जो बोरान है, बोरान तुम्हारा सेंट्रल एटम, और इससे तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तुमने बनाया इस तरह से, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस तरह से स्पेस में अरेंज होता है ताकि इसके बीच में जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो, है ना। yes, तो अगर yes. तीन ऑर्बिटल है, तीन लोग तुम्हारे पास है स्पेस में, तो इसको कैसे अरेंज करोगे, लाइक ए ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेप है वो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगा इस तरह से, अगर ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगा तो क्या होगा बेटा, बीच में एंगल जो होगा बोरान के बीच में, यहाँ पर जो तीनों ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री, ठीक है। तो अब फ्लोरीन क्या होगा, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एक पी ऑर्बिटल, देखो पी ऑर्बिटल इस तरह से फ्लोरीन का बॉन्ड बनाएगा यहाँ से इस तरह से, ये तुम्हारा पी ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, दूसरा पी ऑर्बिटल यहाँ पर आएगा फ्लोरीन का, तीसरा पी ऑर्बिटल इस तरह से यहाँ पर आकर बॉन्ड बना लेगा, ओवरलैपिंग इस तरह से होगा, इस तरह से ओवरलैपिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल क्यों मैंने लिया बेटा, देखो यहाँ देखो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन के पास एक पी ऑर्बिटल वैकेंट है, देखो यहाँ पर अनपेयर्ड है, तो ये जो अनपेयर्ड पी ऑर्बिटल है यही तो बॉन्ड बनाएगा, पेयरिंग करेगा यहाँ पर, ओवरलैपिंग करेगा, तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, बोरान का कौन सा ऑर्बिटल मैंने लिया यहाँ पर, ये कौन सा ऑर्बिटल है बोरान का, ये तीनों कौन सा ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेप आएगा वो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगा, समझ में आ रहा है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, कुछ इस तरह दिखाई देगा, अगर तुम लोग यहाँ पर इसको देखोगे तो ये ट्रायंगुलर शेप का होगा, सेंटर में क्या होगा, बेसाइज ट्रायंगल के ट्रायंगुलर सेंटर में क्या होगा, क्या है यहाँ पर देखो, बोरान, बोरान, और कॉर्नर पर क्या होगा, फ्लोरीन, कॉर्नर पर फ्लोरीन, ठीक है। तो बोरान को फ्लोरीन से मिला दो तो ये शेप जनरेट होकर आएगा, ठीक है, और इसको क्या बोलोगे, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, इसमें एंगल कितना होगा बेटा, बॉन्ड एंगल यहाँ पर एफ बी एफ बॉन्ड एंगल कितना होगा, है ना, एफ बी एफ बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री, ठीक है। तो अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आगे आ जाते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा यहाँ पर, तो ये sp2 हो गया, ये sp2 का देखो एग्जांपल दिया गया है, इनकेस ऑफ s 2p ऑर्बिटल मिक्स टूगेदर टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2px है, ये 2py, तीनों मिलकर क्या बना लिया यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल,
एंगल कितना याद दिया गया है बेटा 120 डिग्री, जिसको याद करने की जरूरत नहीं, जो मैंने ऊपर बताया वही यहाँ पर रिपीट किया गया है नीचे, इसको छोड़ दो ठीक है। तो ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, आ जाओ एसपी हाइब्रिडाइजेशन पर, एसपी हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं बेटा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एक एस ऑर्बिटल और दूसरा क्या होगा एक पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एक एस और दूसरा पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा ठीक है। देखते हैं बेटा ये कैसे जनरेट होगा, इसका फॉर्मेशन बता देते हैं। इसको मैं एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ क्या लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2 यहाँ हेड डालोगे, फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा बेटा CO2 में, कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन, अब आपको सुनाई दे रहा है ना, सेंट्रल एटम कार्बन, सराउंडिंग एटम क्या है ऑक्सीजन, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कार्बन, ऑक्सीजन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू बाई कार्बन टू इज इक्वल टू टू, तो दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के पास एटलीस्ट दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ठीक है। तो कार्बन के पास एटलीस्ट दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो कार्बन का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे है ना, तो क्या होता है बेटा 1s2 2s2 2p 2p 2 ठीक है। कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे ठीक है, जब इसका एक्साइटेशन होगा कार्बन का तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, जब इसका एक्साइटेशन होगा कार्बन का है ना, पहले मैं इसका ग्राउंड स्टेट का बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन का ग्राउंड स्टेट तो ये हो जाएगा 1s2, इसको बनाना नहीं है, 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन और जो 2p है 2p में दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इस पी ऑर्बिटल में जाएगा ठीक है, एक्साइटेशन होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलकर यहाँ पे ले जाओगे तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो तो पहले से है लेकिन इसको एक्साइट कराओगे ठीक है। तो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक पहले से था, एक और एक्साइट होकर यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर मैंने चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों बनाया, जबकि यहाँ पर देखो दो ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो चार क्यों हुआ बेटा, दो और बॉन्ड बने जो कार्बन है ना ठीक है, कार्बन दो सिग्मा बना रहा है साथ में दो पाई बॉन्ड भी बना रहा है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड के लिए भी तुमने दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लिए हो ठीक है। तो अब यहाँ टोटल फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन जितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ठीक बेटा देखो जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हें चाहिए, याद रखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा बेटा यहाँ पर, दो, कैसे तुम्हें मालूम चला कि यहाँ पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से ठीक है। तो अब दो ऑर्बिटल को मिक्स करोगे इस तरह से ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को सबसे पहले मिक्स करोगे, अगर एनर्जी की बात करोगे तो जो एस ऑर्बिटल है उसका एनर्जी सबसे कम होगा, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, उसके बाद एफ ऑर्बिटल का, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबका सेम है तो, ये मालूम है ना ठीक है। एन प्लस एल रूल बेटा, एन प्लस एल रूल ठीक है, जिसका एल वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा, जो एफ ऑर्बिटल है एफ ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू कितना होता है बेटा, एफ ऑर्बिटल के लिए 3, डी के लिए 2, पी के लिए 1, एस के लिए 0 है ना, जितना एल वैल्यू उतना ज्यादा एनर्जी ठीक है, याद रहे बेटा इन सबका जो प्रीफिक्स है सबका सेम होना चाहिए, जो कोफिशिएंट है जो एन है यहाँ पर, क्या सर ये एन एल समझ नहीं आया आप क्या बता रहे हो बेटा, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया गया है, तुम थे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, नहीं सर मैं उसमें नहीं था। अच्छा सुन लो, तो जो एन है वो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ठीक है। और एल क्या होता है बेटा, एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर ठीक है। तो इसके डिटेल में जाने पर बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक बार तुम वीडियो देख कर आना, अगर डाउट होगा पूछ लेना ठीक है।
जो ऑर्बिटल का एनर्जी होता है वो एस पी डी एफ ऑर्बिटल से निकालते हैं, सॉरी एन प्लस एल रूल से निकालते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ तुमने एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिक्स किया, दो ऑर्बिटल को मिक्स किया तो क्या बनेगा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो, हाइब्रिड है ना। तो इसका नाम क्या रखोगे बेटा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का, इन दोनों का नाम एस पी एस पी होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक एक, और बाकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ये दोनों ऑर्बिटल तुमने मिक्स नहीं किया है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा यहाँ पे इस तरह से, है ना। इन दोनों ऑर्बिटल को टच नहीं किया तो ये क्या बेटा, है ना, ये प्योर पी ऑर्बिटल है। प्योर मतलब मिक्स नहीं हुआ, तुमने तुमने प्योर बोल दिया, प्योर मतलब मिक्सिंग नहीं हुआ है, ठीक है। और ये क्या बेटा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल दो बन गया और दो प्योर पी ऑर्बिटल रह जाएगा, ये मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा बेटा, ये तुम्हारा हो गया कार्बन, कार्बन के साथ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज करोगे, इस तरह से अरेंज करोगे ताकि इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन हो मिनिमम हो जाए। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है 180 डिग्री। अब ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, है ना। इस तरह से कार्बन, इस साइड ऑक्सीजन है, इस साइड ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। तो अब बाकी जो दो पी प्योर पी ऑर्बिटल क्या बनाएगा बेटा, वो साइड वे ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएगा। हाँ, ये पाई बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मैंने ऊपर बता दिया है, बताया था ना बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड, यस है ना। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। तो मैं यहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड को डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ऑक्सीजन से ओवरलैप करेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो दो सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल का, जो स्ट्रक्चर होता है वो सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, इसको क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर क्या बोलोगे बेटा, लीनियर, ठीक है। यहाँ पर इसको बोलोगे लीनियर स्ट्रक्चर। तो ये मालूम रहना चाहिए बेटा, यहाँ पर पाई बॉन्ड भी होगा, जो मैंने नहीं बनाया है, ये पाई बॉन्ड भी होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। तो अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा बेटा, लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बता दिया बेटा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। अगर एसपी टू है तो क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना बेटा, 180 डिग्री। यहाँ पर अगर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट। ये नंबर इसमें याद रहना चाहिए, ठीक है। ये अलग सा नंबर है, बड़ा सा, तो ये मालूम होना चाहिए इतना बड़ा नंबर। इसके अलावा भी कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। बेटा कार्बन है ना, कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। दो ऑर्बिटल बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, एक sp यहाँ पर हो गया, देखो यहाँ पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम इस तरह से स्पेस में अरेंज करोगे ताकि उसके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, तुमको मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखोगे ना, yes, sir। तो अब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लो इसको और पास रखते इस तरह करोगे तब इसके बीच में देखो एंगल कम होगा, डिस्टेंस भी कम होगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा ना। तो yes, इन दोनों ऑर्बिटल को दूर दूर रखोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है यहाँ पर दो ऑर्बिटल के बीच में, 180. दो ऑर्बिटल के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना होगा बेटा, 180 डिग्री एंगल होगा। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है 180 डिग्री पार्ट होगा, दो ऑर्बिटल रखोगे तो क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होगा। तो अभी तक मैंने क्या बताया बेटा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे लगा होगा, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ना। हाँ, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, सर एक बार इसका पाई बॉन्ड बना के दिखा दो। नहीं, पाई बॉन्ड अभी नहीं बनाएंगे बेटा, अभी बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बात बता दिया, तुम देख लेना घर पर जाकर,
फिर मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है? पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं, बहुत दिनों से ही चल रहा है, कुछ और भी तो पढ़ना है हम लोगों को, केवल यहीं पर झूलते रह जाएंगे, तीन चार क्लासेस से ही चल रहा है। तो पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद हम और चलेंगे आगे, ठीक है? ओके, थोड़ा सा घर पर मेहनत करो बेटा, घर पर जो मैं यहाँ पर बताता हूँ खुद से बनाकर देखो तो समझ में आएगा। स्कूल में कितने आवर का क्लास होता है? स्कूल में कितने आवर का क्लास होता है टोटल मिलाकर दिन में? सर 3 घंटे का होता है। सर 3 घंटे? 3 घंटे का? दिन भर घर में रहते हो बेटा, है ना? तो टाइम तो बहुत मिलता होगा। कितने घंटे पढ़ते हो दिन में? सबसे पूछा मेरा जनरल क्वेश्चन, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? चलो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से, वो बताएगा। चलो बेटा, ये क्या नाम है, आदित्य, आदित्य बताओ बेटा कितने आवर पढ़ते हो घर में? तो 5। 5 घंटे पढ़ते हो सही में? 5 घंटे मतलब सेल्फ स्टडी होना चाहिए, मतलब कि स्कूल को हटा दो, जो तुम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो या उसको हटा दो, सेल्फ स्टडी 5 आवर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है? तो उसके बाद बेटा जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है उसको रिपीट करो। स्ट्रक्चर मान लो 2 महीने बना दिया ऊपर, एक मैंने CH4 बना दिया, दूसरा SP2 हाइब्रिडाइज का कुछ बना दिया, मॉलिक्यूल BF3 बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है, ये बात खुद से बनाओ तुम लोग, है ना? तो समझ में आएगा, तो चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट होने जा रही है आगे। देखो यहाँ पर शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो अभी मैंने क्या बताया था बेटा यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने बताया था लीनियर स्ट्रक्चर SP का, है ना? ट्राइगोनल प्लेन क्या होगा SP2, टेट्राहेड्रल SP3, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, अब ये देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल SP3D2, फिर उसके बाद हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल SP3D3। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन तो बढ़ता चला जा रहा है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि हर एक के लिए तुम यहाँ पर तुम इस तरह से करोगे, एग्जाम में अगर तुम करने बैठ जाओगे, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो टाइम लग जाएगा, है कि नहीं बेटा? अगर तुम इस तरह से बनाओगे, यहाँ पर सेंट्रल आइटम बोरान हो गया, यहाँ पर फ्लोरिन हो गया, इसको एक साइड स्टेट में ले जाओगे, है ना? तो इसको हाइब्रिडाइज कराओगे बाद में तो टाइम लग जाएगा, इतना तो तुम्हारे पास टाइम होता नहीं एग्जाम में, है ना? तुम्हें देखकर तुरंत 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो 1 मिनट के लिए तुम कैसे करोगे यहाँ पर? तो उसके लिए क्या होता है, कुछ रूल है, ठीक है? रूल्स टू डिटरमाइन हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है? तो इसमें भी कुछ कंस्ट्रेंट है, यहाँ पर जो रूल है बेटा ये अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए मैं इस रूल को यहाँ पर बता रहा हूँ, इसे इस रूल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखोगे वैलिड ओनली फॉर मोनोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है? मतलब कोई ऐसा आइटम है जैसे ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड बनाएगा, जैसे सल्फर हो गया, सल्फर पाई बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड अगर मॉलिक्यूल में है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड तभी के लिए एप्लीकेबल है। तो पहले मालूम रखिए बेटा किसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, तो फॉर्मूला किसके लिए वैलिड बेटा, केवल और केवल मोनोवेलेंट कंपाउंड के लिए। वैलेंट मतलब समझ रहे हो बेटा, वैलेंसी वन, है ना? अगर वैलेंसी वन है तो क्या बनाएगा? यस सर, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? तो अब यहां देखो मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम सराउंडिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो मैं इसको आगे कर रहा हूं। तो यहाँ पर Q लिखा हुआ, Q इज इक्वल टू हाफ टू द V प्लस SA माइनस प्लस माइनस Q ब्रैकेट क्लोज। तो V यहाँ पर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, SA मतलब सराउंडिंग एटम या सराउंडिंग एटम यहाँ पर है, सराउंडिंग एटम, ठीक है? Q यहाँ पर है चार्ज ऑन आयन विथ साइन, ठीक है? इस तरह से तुम क्या निकालोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो Q क्या यहाँ पर, Q यहाँ पर जो कैपिटल Q है, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर से आ जाओ बेटा, यहाँ पर कुछ चीजें गलत है, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूं लिखने से पहले, तुम लोग यहाँ पर
लिखोगे यहाँ पर, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम। मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम इसलिए एप्लीकेबल है। तो अब मैंने यहां पूरा लिख दिया नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको एक बार फॉर्मूला को नोट कर लो, फिर मैं बता रहा हूं इस फॉर्मूला को यूज कैसे करोगे, अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल से यहाँ पर जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था उसी सब एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मीथेन, ठीक है। मीथेन के बारे में हमने सब कुछ कर लिया है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें क्या निकालना, क्यू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर होगा। तो क्यू इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। वी क्या बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। ये सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका बोलोगे बेटा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, ठीक है। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस कितने सराउंडिंग एटम बेटा, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने सराउंडिंग एटम है, 4, ठीक है, 4। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगा, 4 + 4/2 हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर होना चाहिए। बेटा यहाँ पर फॉर्मूले में आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा बेटा V+SA+−Q, क्यू क्या है, चार्ज ऑन आयन विद साइन। तो ये जो CH4 है क्या कोई आयन है, नहीं है, आयन नहीं है ना, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद देखो आयन क्या होता है, Na+, ये आयन है, Cl- ये क्या आयन है, CH4, या फिर CH3+ ये आयन है ना, NO3- ये आयन है, ये सब आयन है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए CH4 का, CH4 आयन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिया, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं तो 0 लिख दोगे। तो यहाँ पर आ गया क्यू। तो अब देखो बेटा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तुमने निकाल लिया, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आ गया, ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तुम हमेशा स्टार्ट करोगे, देखो एस ऑर्बिटल, उसके एस ऑर्बिटल बाद क्या है बेटा, 3 पी ऑर्बिटल आते हैं, पी पी पी, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर इस तरह से ऑर्बिटल बनाओगे, एक एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल बाद क्या आएगा बेटा, पी ऑर्बिटल आता है ना, तो 3 पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल के बाद क्या आएगा, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कितना होता है, 5, है ना। तो एस पी डी इस तरह से ऑर्बिटल होगा। तो अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखो यहाँ पर क्यू का वैल्यू कितना आया, 4, यहाँ पर क्यू का वैल्यू कितना आया बेटा, याद रखो यहाँ पर क्यू का वैल्यू 4 आया है। तो मतलब 4 ऑर्बिटल का मिक्स करोगे, एक यहाँ स्टार्ट करोगे एस ऑर्बिटल के साथ, 3 पी ऑर्बिटल, 4 हो गया बेटा, 4 ऑर्बिटल का मिक्स कर दिया, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, है ना। अगर मान लो तुमने यहाँ पर सॉल्व किया, यस सर, और क्यू का वैल्यू 3 हो गया, तुमने इसको सॉल्व किया, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, क्यू का वैल्यू कितना है बेटा, 3 आया, है ना। तो क्या होगा, एक एस ऑर्बिटल sp2 और 2 पी ऑर्बिटल करोगे, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। फिर तुमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर क्यू का वैल्यू 2 आ गया, क्यू का वैल्यू 2 आ गया, तो एक एस ऑर्बिटल मिक्स करोगे और एक पी ऑर्बिटल का मिक्स करोगे, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। तुमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्यू का वैल्यू 5, देखो 2, 3, 4 हो गया, 5 हो गया, अब यहाँ पर Q का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। sp अब क्या करोगे, आगे बढ़ते जाओगे ना, देखो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल, यहाँ तक ले जाओगे इसको इस तरह से, है ना। अब d ऑर्बिटल को भी मिक्स करोगे ना यहाँ पर, क्योंकि 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर आओगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp3d, sp3d हो गया। फिर तुमने यहाँ पर 6 आ गया, सॉल्व किया तुमने, q का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। जब q का वैल्यू 6 हो तो क्या होगा बेटा,
अब एक और डी ऑर्बिटल मिक्स कर दो, क्या मिला दोगे यहाँ पर? sp3 d2। तुमने सॉल्व किया, q का वैल्यू यहाँ पर आ गया बेटा 7। ठीक है, q का वैल्यू 7 आ गया, तो क्या होगा बेटा sp3 d3। तो यहाँ तक का हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को पढ़ना है sp3 d3 तक। ठीक है, देखो ऊपर ऊपर यहाँ कर दिया गया है। देखो अगर लीनियर है तो sp होगा, ट्राइगोनल प्लेनर है तो sp2। देखो स्ट्रक्चर में बताऊंगा बेटा स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है। पहले देखो sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। अब मैं स्ट्रक्चर को आऊंगा बताऊंगा बेटा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में बताऊंगा। इतना तो समझ में आ गया सर? हाँ बोलो सर। p ऑर्बिटल के बाद वो s में क्यों नहीं जाता, d में क्यों जाता? जैसे 3p के बाद 4s में ऑर्बिटल कौन सा? जैसे pcl5 में वो 3p के बाद 4s में क्यों जाता, 4s में क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसकी एनर्जी तो कम है। कहां पर, यहां पर pcl कहां कुछ लिखा है यहां पर 4s? सर मैं पूछ रहा हूं सर हाइब्रिडाइजेशन को। अरे बेटा कहीं पढ़ने तो दो, अभी तो अभी बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं बेटा, है ना, ये सब चीजें सीख लो। ठीक है, ओके सर। हां अब इसको समझ लो पहले, फिर आ जाएंगे आगे, हम बताएंगे जितने भी एग्जांपल सब बताऊंगा मैं। यहां देखो बेटा, चलो ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। यहां पे देख लो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो यहां पर स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है विद एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक बेटा, तो हम लोग सबसे पहले आते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर। एग्जाम्पल है, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर, एग्जाम्पल है BCl3। ठीक है, अब BCl3 का स्ट्रक्चर तुम्हें बताना है। क्वेश्चन क्या दे दिया यहां पर, नंबर वन इसका स्ट्रक्चर बताओ। ठीक है, नंबर टू इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, तो दो चीजें तुम्हें बताना है BCl3 का, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बताओगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले कोई जो स्टेप्स है, स्टेप्स को तुम्हें ध्यान में रखना होगा, जो स्टेप्स है यहां पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स को ध्यान में रखोगे। नंबर वन, पहले तुम क्या निकालोगे बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड कितना सिग्मा बॉन्ड होगा बेटा निकाल लोगे। ठीक है, कैसे मालूम चले बेटा कितना सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, ये नंबर सराउंडिंग, तुमने इसको एस ए लिख दिया। फिर क्या निकालोगे बेटा यहाँ पर, एस ए के बाद क्या निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको तुमने कैपिटल वी लिख दिया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैपिटल वी लिख दिया। ठीक है, अब तुम क्या निकालोगे इसके बाद बेटा, चार्ज, मॉलिक्यूल पर चार्ज क्या है, है ना, जो अगर आयन्स आयन्स का तो कुछ चार्ज होगा, अगर मान लो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर जीरो चार्ज। ठीक है, अगर आयन है तो आयन के ऊपर तो प्लस चार्ज होगा, तो माइनस चार्ज होगा, उसको तुमने क्यू लिख दिया यहाँ पर, विद साइन लिखोगे, प्लस या माइनस विद साइन क्यू लिखोगे। ठीक है, और फिर इस फॉर्मूले में रख दोगे, जो ऊपर फॉर्मूला बताया गया है उस फॉर्मूले में रख दोगे। ठीक है, तो यहां तुम्हें मिल जाएगा क्यू, सो क्यू इज इक्वल टू 1/2 वी। ठीक है, वी माइनस वी प्लस सराउंडिंग एटम, ठीक है, माइनस प्लस माइनस क्यू, ये फॉर्मूला यहां पर। सो क्यू इज इक्वल टू 1/2, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर है बेटा तुमने निकाल लिया, जो BCl3 है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है BCl3 में, 3। ठीक है, प्लस सराउंडिंग एटम कितना होगा यहां पर, 3। सराउंडिंग एटम यहां पर 3 है। ठीक है, जीरो यहां पर चार्ज हो गया, तो क्यू का वैल्यू यहां पर आ गया 3। ठीक है, क्यू का वैल्यू यहां पर 3 आ गया।
तो अगर q का वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp2। तो हमेशा s चैप्टर स्टार्ट करोगे, s के बाद p आएगा, उसके बाद d आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहां पर? sp2। तो तीन ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कितने ऑर्बिटल स्पेस होंगे बेटा? 3 ऑर्बिटल को इस तरह से अरेंज करना है ताकि डिस्टेंस मिनिमम हो। तो 3 ऑर्बिटल कैसे अरेंज करते हो? ट्रायंगुलर प्लेन। 3 ऑर्बिटल को स्पेस में कैसे अरेंज करोगे? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इसको क्या स्ट्रक्चर आएगा बेटा यहाँ पर? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी आ गया, हाइब्रिडाइजेशन भी आ गया, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो ऊपर नहीं हुआ वो वाला एग्जांपल ले लेते हैं, PCl5 ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है PCl5, ठीक है। तो यहाँ पर फास्फोरस हो गया बेटा सेंट्रल एटम। देखो अब तो ये तुम्हारा फॉर्मूला वाला हो गया, क्योंकि फॉर्मूला हर जगह चलेगा नहीं, ठीक है। तो अब मैं अभी से कुछ ट्रिक यहाँ बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पर तुम्हें इसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे यहाँ पर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा वो निकालोगे, ठीक बेटा। तो उसके बाद क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिया, फिर उसमें से तुम सबट्रैक्ट करोगे, है ना, सबट्रैक्ट करोगे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम यहाँ पर, कितने जो क्लोरीन है कितने एटम यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है बेटा, तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो यहाँ पर 5 क्लोरीन है, ठीक है। तो वैलेंसी वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा? वी क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें तुमने क्या सबट्रैक्ट कर दिया? सबट्रैक्ट किया बेटा वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय सराउंडिंग एटम। तो यहां पर जो बचेगा, ठीक है, जो यहां पर आएगा रिजल्ट, मैं इसको आर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आर डिवाइड बाय 2 जो होगा वो होगा नंबर ऑफ लोन पेयर, ये होगा लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस लोन पेयर को मैं यहां पर एलपी लिख दे रहा हूं। एलपी क्या बेटा? लोन पेयर। एलपी सुनते जाओ, क्या एक बार दोबारा बता दो। वी क्या बेटा? वी यहां पर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को मैं एस सी ए लिख दे रहा हूं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सी ए माइनस वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दोगे, जो यहां पर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर आ गया। और फिर क्या लिखा रहोगे? सिग्मा बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड पेयर होता है बेटा सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो यहां तुमने क्या लिखा? लोन पेयर निकाला, यहां पर क्या निकाला बेटा? सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो जो Q होता है, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सराउंडिंग एटम, ये होता है Q, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं। मान लो कोई आयन है, आयन अगर है, ठीक है, तो आयन्स का इलेक्ट्रॉन भी इसमें ऐड करोगे, तो जो Q का फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू वैलेंसी प्लस वैलेंसी माइनस, ठीक है। अगर मान लो यहां पर H माइनस है, H माइनस मतलब क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और आ गया ना, हाइड्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? H माइनस मतलब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन, एक बाहर से आ गया, ठीक है। अगर मान लो यहां पर H प्लस लिखा हुआ है, H प्लस मतलब हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो आयनाइज हो गया, निकल गया, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुआ, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो वैलेंसी माइनस प्लस माइनस क्यू, ठीक है, प्लस माइनस क्यू लिख दिया। फिर इसके बाद क्या निकालोगे? माइनस वैलेंसी माइनस प्लस माइनस क्यू माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम मल्टीप्लाइड बाय सराउंडिंग एटम, ठीक है।
डिवाइड बाय टू कर दो, इन सबका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट डिवाइड बाय टू, ये हो जाएगा लोन पेयर, ठीक है, प्लस सराउंडिंग एटम। तो यहां से लेकर यहां तक जो फॉर्मूला है ये क्या होगा, क्यू बताएगा, क्यू मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या बताएगा बेटा, लोन पेयर बताएगा, लोन पेयर जो फर्स्ट पार्ट है वो लोन पेयर बताएगा, सेकंड पार्ट क्या है, सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर देते हैं इस पर, फिर से मैं इस क्वेश्चन यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ बेटा पी एच थ्री पर, सॉरी पी एच थ्री में करूँ, ये इसे छोड़ो, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ NH4 प्लस के लिए, ठीक है, आयन है यहाँ पर NH4 प्लस, ताकि Q भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो अब इसका हम लोग निकालेंगे हाइब्रिड, वही पुराना क्वेश्चन, यहाँ पर निकालना तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, और इसका स्ट्रक्चर बताना होगा, स्ट्रक्चर, ठीक है, दो चीज में बताना है। तो पहले क्यू निकालोगे, क्यू इज इक्वल टू, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, देखो जो वी है किसका होगा बेटा, सेंट्रल एटम का होगा, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन का, फाइव, ठीक है, कितने चार्ज है बेटा, चार्ज बताओ, प्लस वन चार्ज है ना, प्लस वन, प्लस वन तुमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, माइनस वैलेंसी आप सराउंडिंग एटम, जो सराउंडिंग एटम में क्या बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, दोगे प्लस सराउंडिंग एटम कितना है यहाँ पर, प्लस फोर, ठीक है, सराउंडिंग एटम यहाँ पर कितना है बेटा, फोर कर दिया यहाँ पर, सो क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर 5 माइनस 1 माइनस 4 कितना आएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व होगा कितना आ रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट 0 प्लस 4, तो Q के वैल्यू कितना आ गया बेटा यहाँ पर, Q इज इक्वल टू 4 आ रहा है बेटा, 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 मतलब शेप कितना क्या होगा बेटा यहाँ पर, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से क्लियर होगा, दोबारा देखो दूसरा एग्जांपल देखो सर, हाँ यहाँ पर मल्टीपल वैलेंसी, हाँ बेटा बोलो सर, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कैसे आए, नाइट्रोजन बेटा जिस ग्रुप में होता है, मान लो नाइट्रोजन किस ग्रुप में बेटा, 15 है ना, यस सर, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर तुम्हें मालूम है ना, जो लास्ट होता है, अब बेटा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल वैलेंसी भी तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्यों निकालना है, तो ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो फर्स्ट फॉर्मूला फेल हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो फॉर्मूला लिखवाया गया था ये फेल हो जाएगा यहाँ पर, काम नहीं देगा ये, है ना, ये इकलौता फॉर्मूला जहां से तुम नंबर ऑफ लोन पेयर भी निकाल लोगे और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम दोनों निकाल लोगे, हाइड्रोजन भी मालूम चल जाएगा, तो इससे सब कुछ निकाल लोगे, सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्यू निकालना है, सो क्यू इज इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला बेटा, वी माइनस प्लस माइनस क्यू, ठीक है, प्लस माइनस क्यू, इसके बाद माइनस है, माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, इसको टू से डिवाइड कर दोगे, प्लस सराउंडिंग एटम, ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला। तो कार्बन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का फोर होगा, माइनस चार्ज कितना है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, न्यूट्रल है ना, चार्ज जीरो होगा, जीरो चार्ज जीरो होगा ना, माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, तो कार्बन ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, टू, कितने है सराउंडिंग एटम बेटा, दो, ठीक है, डिवाइड बाय टू कर दोगे, प्लस
सराउंडिंग इंडक्टर कितना बेटा, दो, तो सॉल्व करो इसको कितना आ रहा है, फोर माइनस फोर डिवाइड बाई टू, जीरो डिवाइड बाई टू जीरो प्लस टू, तो यहां पर Q का वैल्यू आ गया टू, Q का वैल्यू टू आ गया, तो क्या होगा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एसपी। समझ में आ रहा बेटा, अब देखो ऊपर वाले जो तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें डीप लेवल नहीं जाना पड़ेगा वहां पर कि ऑर्बिटल क्या होगा, कैसे यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो ये चाहे न्यू स्टेट हो चाहे ओल्ड स्टेट हो सबको समझ में आना चाहिए बेटा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर एसपी होगा, एसपी मतलब क्या हो जाएगा लीनियर। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है PCl5, ठीक है PCl5, इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा PCl5 का, क्योंकि लिनियर बता चुका लिनियर क्या होता है, अब PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे दिखता होगा PCl5, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पर क्यों निकालो, तुम लोग क्यों निकालो, क्यों निकालो बताओ बेटा क्या आ रहा है, तुम लोग खुद से कॉपी पर करो सॉल्व करो इसको, निकालो बेटा क्यों, फास्फोरस मालूम है ना, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में है, हाँ तो वैलेंस रिटर्न यहाँ पर फाइव होगा, चार्ज यहाँ पर जीरो है, माइनस वैलेंसी ऑफ क्लोरीन वन होता है, सराउंडिंग एटम क्लोरीन यहाँ पर फाइव है, डिवाइड बाय टू, तो लोन पेयर यहाँ पर आ गया जीरो, सराउंडिंग एटम फाइव, ठीक है। सो क्यू इज इक्वल टू, ये लोन पेयर है यहाँ पर, लोन याद रखो बेटा ये फर्स्ट पार्ट था, ये लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर यहाँ पर कितना आ गया जीरो प्लस फाइव, तो अब इसका स्ट्रक्चर कितना क्या होगा बेटा, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, हाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, ठीक है। इसका मतलब एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल मिक्स हुआ है। तो अब बेटा इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता था देखो, यहाँ पे जो फास्फोरस वो बीच में रहता है, इस तरह से फास्फोरस क्या होगा हमेशा सेंटर में है, सेंटर एटम है तो बीच में होगा, ठीक है। तो तीन क्लोरीन यहाँ पर, तो तीन क्लोरीन कैसे होगा, एक ट्रेंगुलर प्लेनर के फॉर्म इस तरह से जुड़ा होगा, जो तीन क्लोरीन है ना बेटा, एक ट्रेंगुलर प्लेनर फॉर्म इस तरह से सीएल 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 इस तरह से होगा। तो ये क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया अभी को, फास्फोरस सीएल सीएल सीएल, तीन क्लोरीन अटैच किया है और सेंटर में फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ट्रेंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, यस सर, यस, हाँ अभी दो क्लोरीन बाकी है, ठीक है, तो एक क्लोरीन इस तरह से ऊपर अटैच करोगे, दूसरा क्लोरीन यहां पर नीचे अटैच करोगे, ठीक है। तो अगर इस तरह से अटैच करोगे तो जो रिपल्सन होता है वो मिनिमम होता है, जो फाइव क्लोरीन है इसके बीच में रिपल्सन मिनिमम होगा, है ना, और इस स्ट्रक्चर बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल जो ट्राइंगल से ट्राइगोनल हो गया, ऊपर भी एक बंप निकला नीचे भी एक बंप निकला हुआ है ना, तो ये तुम्हारा हो गया पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दो पिरामिड बनाए ऊपर भी नीचे भी, बाई पिरामिडल, ठीक है, बाई पिरामिडल, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो समझ में आ रहा है, इसको शो करना होगा, समझ गए, समझ में आ गया ना, थ्री डी में किस तरह से होगा ये, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया, करने देते हैं इसको। तो आगे चलते हैं यहां पर, नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं एस एफ सिक्स का, ठीक है, एस एफ सिक्स, यहां पर जो मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं एग्जांपल एस एफ सिक्स, तो एस एफ सिक्स में तुम लोग खुद से करो, इसका क्यू वैल्यू निकालो एस एफ सिक्स का, एस एफ सिक्स, ठीक है, इसका क्यू वैल्यू निकालो, क्या आ रहा है क्यू वैल्यू, सिक्स, क्यू वैल्यू सिक्स आ रहा है सबका, क्यू निकालो बेटा यहां पर, यस सर सिक्स, ठीक है, क्यू आएगा यहां पर सिक्स माइनस जीरो, ठीक है, सिक्स माइनस जीरो, सराउंडिंग एटम सिक्स यहाँ पर डिवाइड बाय टू, तो जो लोन पेयर कितना बेटा, ये लोन पेयर यहाँ पर जीरो हो गया,
ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो प्लस सराउंडिंग एटम कितना है यहाँ पर सिक्स, ठीक है, तो फर्स्ट पर जीरो सिग्मा बॉन्ड सिक्स आ गया, तो की वैल्यू सिक्स हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा यहाँ पर sp3d2, हाँ sp3d2, तो कितने ऑर्बिटल यहाँ पर होंगे बेटा, काउंट करके बताओ कितने ऑर्बिटल होंगे यहाँ पर, एक s ऑर्बिटल है ना, एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल, दो d ऑर्बिटल, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल सिक्स हो गया, ठीक है, तो सिक्स ऑर्बिटल को स्पेस में अरेंज करना है, सिक्स ऑर्बिटल्स को स्पेस में अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करोगे बेटा, सल्फर बीच में रहेगा है ना, और इन सबको इस तरह से एक स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में अरेंज करोगे, पहले क्या था बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर था, यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगुलर प्लेनर एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, अब एक ऑर्बिटल बढ़ गया तो स्क्वायर प्लेनर बना दोगे इस तरह से, और एक ऊपर से बॉन्ड बनेगा एक नीचे से बॉन्ड बनेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर आता है यहाँ पर जनरेट होगा उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, तो सल्फर इस तरह से होगा और फोर ऑर्बिटल इस तरह से तुम अरेंज करोगे, 1 2 3 4, एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे, तो ये जो स्ट्रक्चर जनरेट होकर आता है बेटा है ना, इसको तुम क्या बोलोगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल, इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल नहीं बोलते हैं, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलोगे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, तो ये ऑक्टाहेड्रल सर, ये पिछले वाले की तरह है, बस इसके अंदर चार साइड में निकला हुआ है, बस यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो एटम्स होंगे, देखो तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, मैं किस तरह से इसको बनाओगे देख लेना, यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, सल्फर हो गया और फ्लोरीन है, सिक्स फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको थोड़ा सा देखना स्ट्रक्चर, देखा है बेटा ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, ये इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, जिसमें बेटा एंगल कितना दिख रहा है, बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री, हर एक बॉन्ड एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होगा, दिख रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ, देखो यहाँ पर एंगल तुम काउंट करोगे, ये तुम्हारा फर्स्ट एटम हो गया, सेकेंड एटम हो गया, और ये थर्ड एटम, तो यहाँ देखोगे 90 डिग्री आ रहा है ना, तो जितने भी यहाँ पर एंगल है सब के सब 90 डिग्री होंगे, ठीक है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसको क्या बोलोगे, ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ठीक है, इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं बेटा, यहाँ देखो ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलेंगे इसको, देखो यहाँ पे जो स्क्वायर प्लेनर वाला शेप है, इस वाले हर एक एटम को ऊपर से मिला दो, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, तुमने क्या यहाँ पर तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर बन गया, इस तरह से स्क्वायर प्लेनर हो गया, तो इस स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में एक सेंटर होगा, तुमने स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर सेंटर हो गया, सेंटर के एक ऊपर पॉइंट को कंसिडर करो, ठीक है, उस पॉइंट को हर एक कॉर्नर से मिला दो, हर एक कॉर्नर से इस तरह से मिला दो, ठीक है, इसको पिरामिड बोलते हैं, एक पिरामिड बन जाएगा स्क्वायर पिरामिड, और इसी स्क्वायर के नीचे एक पॉइंट को कंसिडर करो, इस पॉइंट को भी हर एक कॉर्नर से इस तरह से मिला दो, ठीक है, तो अब यहां पर जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसको ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप या स्ट्रक्चर, ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, इसका जो शेप आता है कुछ ऑक्टाहेड्रल टाइप का होता है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं IF7 का, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है IF7, तो यहां पर क्यू वैल्यू निकालो, क्यू कितना आ रहा है, क्यू वैल्यू यहां पर 7 होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, तो क्यू वैल्यू यहां पर 7 हो गया, तो अब यहां पर कितने क्या हाइब्रिडेशन होगा बेटा, हाइब्रिडेशन sp3d3 होगा ना हाइब्रिडेशन, है ना, तो 7 ऑर्बिटल को स्पेस में कैसे अरेंज करोगे, जब 5 को अरेंज करना था तो ट्रायंगल एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, जब 4
फोर ऑर्बिटल को अरेंज करना था तो कैसे अरेंज किया, चार को प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। अब फाइव को अरेंज करना तो क्या करोगे, फाइव को एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। फाइव को एक प्लेन में, जो फाइव ऑर्बिटल है उसको एक प्लेन में, एक ऑर्बिटल ऊपर दूसरा ऑर्बिटल नीचे। जैसे यहाँ पे जो आयोडीन है सेंटर पे आयोडीन रहेगा, एक आयोडीन फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, और फाइव फ्लोरीन इस प्लेन में रहेंगे, ठीक है। तो ये पेंटागोनल फॉर्म इस तरह से रहेगा बेटा, पेंटागोनल प्लेनर के फॉर्म इस तरह से। पेंटागन तुमने देखा होगा ना, यार मैं कुछ बनाऊं पेंटागोनल, ठीक। तो ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, बीच में क्या होगा बेटा, यहाँ पर आयोडीन है, कॉर्नर इस तरह से मिला दोगे, है ना, और एक ऊपर होगा फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन नीचे होगा इस तरह से। और हर एक का जो पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, हर एक कॉर्नर पर क्या होगा, फ्लोरीन। तो फाइव इस तरह से प्लेनर में होगा, प्लेन में एक ऊपर एक नीचे हो गया, तो टोटल सेवन फ्लोरीन अटैच हो गया। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो हर एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया बेटा यहां पर, है ना। तो अगर Q वैल्यू 2 है तो बता दिया यहां पर लीनियर होगा, अगर Q वैल्यू 3 है तो क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो क्या होगा बेटा, 5 पर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, है ना, ट्रायंगुलर TBP उसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल TBP। अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल OH, अगर 7 है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये हर एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इतना ही बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर लोन पेयर आ जाता है। अभी तक हमने देखा बेटा जितने भी स्ट्रक्चर बनाया था सब में लोन पेयर जीरो, जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जीरो था, है ना, इन सब में फर्स्ट पार्ट जीरो था, यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट जीरो हो गया। तो हर एक में जो लोन पेयर वाला पार्ट था वो जीरो था, केवल सराउंडिंग एटम मिल रहा था, ठीक है। लेकिन ऐसा मालूम तो होगा ही नहीं तुम एग्जाम में, ऐसे मिलेगा बहुत कम मिलेगा जहां पर लोन पेयर जीरो हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर लोन पेयर जीरो नहीं है। जैसे आप देखो NCl3 BBr3 CCl4 CL4 SF6 का मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इसमें बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जहां पर लोन पेयर होगा। तो ये तो BBr3 है, BBr3 मतलब यहाँ पर लोन पेयर देखो निकालोगे तो जीरो आएगा और सराउंडिंग एटम यहाँ पर आ जाएगा 3। तो सराउंडिंग एटम 3 है तो हाइब्रिडेशन कितना होगा बेटा, BF3 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, BBr3, है ना। जैसे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था BF3, बस फ्लोरीन को हटाकर तुमने क्या लिया, ब्रोमीन लगा दिया, तो BBr3 हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन को हटाकर तुमने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया तो ये मॉलिक्यूल तो लगभग सेम ही स्ट्रक्चर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट को अटैच कर रहे हो, ठीक है। हैलोजन को ही तुम चेंज करो, यहाँ पर फ्लोरीन को चेंज करो, जो स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर सेम ही होगा। तो यहाँ पर ट्रेंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा। तो अब यहाँ देखो सिलिकन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, सिलिकन किसके नीचे बेटा, कार्बन के नीचे क्या होता है सिलिकन। जिस तरह से CCl4 का स्ट्रक्चर होगा उस तरह से क्या होगा, SiCl4 का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर यहाँ पर जीरो है, सराउंडिंग एटम यहाँ पर कितना है 4। निकालोगे यहाँ पर इस तरह से आएगा Ci4, यहाँ पर Ci4 है, कार्बन टेट्राआयोडाइड, तो ये CCl4 टाइप का ही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा सेम SF6 में बता दिया, लोन पेयर यहाँ पर कितना आएगा 0, सराउंडिंग एटम कितना आएगा 6, ठीक है। तो आ जाता है यहाँ पर फर्स्ट वाले BF2, ये यहाँ पर जो लोन पेयर है लोन पेयर 0 आएगा, सराउंडिंग एटम यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 सराउंडिंग एटम मतलब लीनियर होगा, लीनियर मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। आ जाते हैं NCl3 पर, ये हम लोगों को देखना है। यहाँ पर लोन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर काटा जैसा कुछ कला कला बनाया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है देखते हैं यहाँ पर NCl3, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्यू निकालोगे तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, तुम लोग बताओगे कितना है, 5
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। चार्ज कितना है? 0 0 0। क्यू वैल्यू कितना होगा यहाँ पर? 0। ठीक है, 0 लिख दिया मैंने। माइनस सराउंडिंग एटम दिख रहा है, कितने सराउंडिंग एटम है? 3 है ना, 3 क्लोरीन है। डिवाइड बाय 2, जो फर्स्ट पार्ट है देता है लोन पेयर प्लस सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम यहाँ पर 3 है तो 3 तुम्हें लिख दिया। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। सर आपकी स्क्रीन चली गई है बेटा, वेट करो, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है। बेटा स्क्रीन दिख रहा सबको? यस सर। हेलो यस सर। तो बैटरी लो हो गया था, कुछ प्रॉब्लम था तो मैंने अडाप्टर लगाया, अभी भूल गया था लगाना। ओके, तो देखते हैं हम NCL3 पे थे। तो नंबर ऑफ लोन पे यहां कितना है बेटा? NCL3 में यहां निकालेंगे और सराउंडेड तो यहां निकाल लिया, 3 हो गया। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहां पर? 3 5 1 हो जाएगा, 1 3। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, 1 3 टोटल कितना हो गया बेटा? 4। ठीक है, तो 1 3 टोटल 4 हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर हम निकालेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर आता है
मेन बात, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देखना कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसके आगे बेटा असली चीज है, तो स्किप मत करना। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, नीचे दिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। ओके, तो NCl3 की बात हो रहा था, NCl3, तो यहाँ पर तुमने Q निकाला, Q इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सराउंडिंग एटम होता है, Q इज इक्वल टू 1+3 आया, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अगर Q वैल्यू 4 है तो हाइड्रोजन तुम निकाल सकते हो, जो NCl3 है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा, sp3, NCl3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 होगा। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रॉन, याद है ना, टेट्राहेड्रॉन। तो नाइट्रोजन टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में होगा और इस तरह से 4 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स तरह से तुमने अरेंज कर दिया, ठीक बेटा। तो ये फॉर्मूला तुमने अरेंज कर दिया, तो उसमें से कितने सराउंडिंग एटम है 4 ऑर्बिटल में से, सराउंडिंग यानी क्लोरीन कितना बेटा, 3 ही तो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन यहां पर आ जाएगा, किसी में तुम यहां पर भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं क्लैरिटी के नीचे लगा रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। तो सिगल 3 क्लोरीन तुमने यहां पर लगा दिया, और जो लोन पेयर है वो लोन पेयर कहाँ रहेगा बेटा, देखो एक लोन पेयर है ना, लोन पेयर यहाँ पर इस तरह से रहता है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और 3 क्लोरीन तुमने लगा दिया, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रॉन है, लेकिन जो लोन पेयर है, लोन पेयर स्ट्रक्चर का जो शेप है, शेप का एक्चुअल पार्ट नहीं होता है, ठीक है। जो लोन पेयर है उस शेप का एक्चुअल पार्ट होता है, तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो एटम ही तुम्हें दिखाई, और फिर ये 13 क्लोरीन हो गया यहाँ पर, तो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये एक ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप तुम्हें दिखाई दे, ट्रायंगल है यहाँ पर, ट्रायंगल के ऊपर तुमने एक पॉइंट लिया और उसको पिरामिड बना दिया, है ना। तो ये जो शेप आता है, अगर लोन पेयर एक हो और 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो तो जो शेप आता है उसको ट्रायंगुलर पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। सर एक बार फिर से बता दो, ट्राइगोनल पिरामिड कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेप है इसको शेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो शेप है, शेप क्या होगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास तुम इस तरह से लोन पेयर दिखा दोगे, लोन पेयर स्ट्रक्चर का याद रखो, लोन पेयर स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। जो लोन पेयर है वो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है, शेप का पार्ट नहीं होता है। फिर से देखो, यहां पर तुमने NCl3 लिया, NCl3 का Q निकाल लिया, Q इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सराउंडिंग एटम, लोन पेयर एक आ गया, 3 सराउंडिंग एटम आ गया, ठीक है। तुमने नाइट्रोजन बनाया, 3 सराउंडिंग एटम इस तरह लगा दिया, लोन पे तुमने 4 ऑर्बिटल में लगा दिया, ठीक है। तो 3 सराउंडिंग एटम, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, तो ये जो शेप होगा जो टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन में तुमने 3 क्लोरीन लगा दिया, जो फोर्थ है, जो फोर्थ पार्ट तुमने लगाया, जो फोर्थ ऑर्बिटल टेट्राहेड्रन का, वहां पर क्या बेटा, लोन पेयर है, लोन पेयर तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, लोन पेयर शेप में दिखाई नहीं देता, लोन पेयर जो है इनविजिबल होता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर का पार्ट, शेप का पार्ट नहीं होता है। तुम्हें क्या दिखाई देगा, नाइट्रोजन और 3 क्लोरीन, तो ये जो शेप होता है उसको तुम क्या बोलोगे, उसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, या फिर उसको तुम ट्राइगोनल पिरामिडल बोलोगे। जो शेप है क्या है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। और भी एग्जांपल लेंगे, घबराओ मत। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये मैं, हाँ सर, इसके अंदर लोन पेयर कंसीडर कर रहे हैं। हाँ बोलो सर, हम इसके अंदर लोन पेयर कंसीडर कर रहे हैं। लोन पेयर तो देखो, लोन पेयर तो स्ट्रक्चर का पार्ट तो है ही ना, तो लोन पेयर स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। यस, अभी तो यहाँ पर टेट्राहेड्रन आया,
लेकिन लोन पेयर विजिबल नहीं होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है ना okay, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं दिखाई देगा। तो अगर इसको हटा दे, इसको मतलब तुमने इरेज कर दिया, ये पार्ट तुमने इरेज कर दिया, तो क्या बचेगा? ये तीनों, क्योंकि ऊपर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, अगर ये yes, sir. दिखाई नहीं देगा तो क्या दिखाई देगा? नीचे वाला तीन है ना yes, और ये है क्या? TCl4 CI4 SF6 BF2 हो गया CLF3। इसको करो बेटा, इसमें कितने लोन पे क्यू वैल्यू निकालो, यहाँ पर क्यू वैल्यू सर CLF3 का निकालो क्यू वैल्यू सर। सर अगर NCl3 का बनाना होगा स्ट्रक्चर तो कौन सा वाला बनाएंगे इन दोनों में से? सर टेट्राहेड्रल या फिर ट्रायंगुलर पिरामिडल, कौन सा बनाएंगे? पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल। और इसको लिखना भी होगा, क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज द शेप ऑफ NCl3। ओके सर, शेप क्या होगा? शेप मतलब होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, जो लोन पे लोन पे उसका जो शेप आएगा क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो आ जाओ बेटा यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर और पिरामिडल CLF3। हाँ ट्रायंगुलर प्लेनर अलग चीज, प्लेनर मतलब प्लेन हो गया एकदम, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब पिरामिड बना दिया यहाँ पर, ऊपर एक पॉइंट लेकर इसको मिला दिया, ये पिरामिडल हो गया। प्लेनर मतलब ये ट्रायंगल हो गया, केवल पिरामिडल है। यस सर, ओके सर। पिरामिड तुमने देखा होगा ना, इजिप्ट का जो पिरामिड है उसी टाइप का ऊपर उठा रहेगा। आ जाओ बेटा CLF3, CLF3 का बताओ। यस यस सर, 5 आएगा क्यों? CLF3 5 आ रहा है। कितना निकालो, निकालो बेटा, सब लोग निकालो, सब के सब ट्राई करो खुद से, फॉर्मूला याद है ना? यस सर। यस, v माइनस प्लस माइनस q माइनस सराउंडिंग एटम डिवाइड बाई 2, ये होता है लोन पेयर प्लस सराउंडिंग एटम। तो यहां पर तुम निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3। आ रहा सबका? yes, मालूम है ग्रुप नंबर जो लास्ट वाला नंबर होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। 7 अगर आ रहा लास्ट में तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Yes. 7 माइनस चार 0 है, सराउंडिंग एटम 3 है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3, ठीक है। तो 2 प्लस 3 आ रहा है, 2 प्लस 3 मतलब क्या हुआ? 2 प्लस 3 मतलब 5। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3d sp3d। तो इसका जो प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर होगा दिख रहा है स्ट्रक्चर यहाँ पर? yes. दिख रहा है ना बेटा स्ट्रक्चर, ये वाला, ये ट्रायंगुलर बाई ट्रायंगुलर जो शेप है ये इसका प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर है। इसमें से 2 लोन पेयर आ गया, देखो लोन पेयर एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया है ना? yes, sir. तो लोन पेयर तुम्हें दिखाई नहीं देगा, देखो यहाँ पे इस तरह से तुमने सीएल लगा दी, दूसरा फ्लोर यहाँ पे जो है इस तरह से एक लोन पर यहाँ पर, एक लोन यहाँ पर है, 2 लोन पर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरिन है, यहाँ पर फ्लोरिन है, जो लोन पेयर तुम्हें दिखाई नहीं देगा बेटा, ये जो लोन पेयर है ये तुम्हें नहीं दिखाई देगा। अब इसका जो शेप है वो क्या आ गया यहाँ पर, देखो इसका जो शेप है वो कुछ इस टाइप का आ गया है ना, इस तरह से एक ऊपर फ्लोरिन यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे फ्लोरिन है, यहाँ पर सीएल है, यहाँ पर फ्लोरीन है। इसको थोड़ा सा घुमा दो, इस तरह से थोड़ा सा घुमाओ, टिल्ट करो, ये टी शेप दिख रहा है बेटा, टी शेप। यस, एल एफ एफ एफ, थोड़ा सा घुमा दिया तुमने 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री तुमने रोटेट कर दिया है। तो इसका जो शेप होता है, एक्चुअली इसका जो शेप है वो क्या आएगा बेटा? टी शेप, इसको बोलते हैं टी शेप। सबने लोन पेयर को ये शेप आया, क्या बोलोगे बेटा इसको? टी शेप, टी शेप। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर नोट, ठीक है, नोट, नोट में क्या लिखो बेटा?
इन ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाई occupied by equatorial bonds. Equatorial bonds. ठीक है, तो ये equatorial bond बेटे जो triangular planar structure है, यहाँ पर जो triangular वाला होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, ये जो ट्रेंगुलर वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, है ना। जो तीन बॉन्ड यहाँ पर तुम्हें दिखाई देता है, इस तरह से तीन बॉन्ड, इन्हीं तीन बॉन्ड को क्या बोलोगे, इक्विटोरियल बॉन्ड। और जो ऊपर नीचे वाला बॉन्ड होता है, जो एक बॉन्ड ऊपर होगा एक बॉन्ड नीचे, इसको क्या बोलोगे, एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो ऊपर नीचे वाला बॉन्ड है इन दोनों क्या बोलोगे बेटा, इन दोनों को बोलोगे एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड। और इन तीनों बॉन्ड को क्या बोलोगे बेटा, मैं कलर थोड़ा सा दूसरा यूज कर लूं यहाँ पर। तो इन तीनों बॉन्ड को क्या बोलोगे बेटा, इसको बोलोगे इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक्सियल बॉन्ड हो गया ऊपर नीचे वाला, ये वाला बॉन्ड जो है वो एक्सियल बॉन्ड है, और ऊपर नीचे वाला बॉन्ड बेटा एक्सियल हो गया। जो प्लेन में तीन बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में, उसको इक्विटोरियल बॉन्ड बोलोगे। और लोन पेयर कहाँ जाएगा बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाई इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, याद रखना बेटा, जो लोन पेयर है हमेशा इक्विटोरियल में जाएगा। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली इनके अगर sp3d हाइड्रोजन आ रहा तभी के लिए, है ना, फॉर हाइड्रोजन sp3d, केवल sp3d के लिए अप्लाई करो, डायरेक्ट लिमिट लगा देना, ओनली फॉर sp3d। आगे आ जाते हैं, आगे है PF5 को बनता है बेटा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप है ये, इसको TBP भी बोलते हैं, TBP। ये बहुत पहले मैंने यहाँ पर PCl5 का एग्जांपल लिया था, PCl5, बस यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, XCF4, ये आ जाओ XCF4, है ना, इस टाइप का कंपाउंड तुम पहली बार देख रहे होगे लाइफ में। यस सर। है कि नहीं? यस सर। क्यों पहली बार देख रहे बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, कैसे बना होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्यू निकालेंगे, क्यू क्या आएगा, क्यू सिक्स, कितना आएगा बेटा, क्यू वैल्यू सिक्स आएगा, उसमें लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है ना, तो क्यू निकालोगे जिनान बेटा, यहाँ पर जिनान ग्रुप 18 मतलब नंबर ऑफ, हाँ, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको रखकर सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर 2 आएगा। ठीक है, बॉन्ड पेयर यहाँ निकालोगे तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर 4 दिखा हुआ है। ठीक है, तो क्यू सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 मतलब sp3d2, चार बॉन्ड पेयर है ना, sp3d2 मतलब कि जो इसका प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा बेटा, 6 ऑर्बिटल को आ रही नीचे, ये मैंने बताया था बेटा, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। यस सर। ठीक है, तो याद रखो बेटा, लोन पेयर रिपल्सन और मैक्सिमम, बताया था मैंने रिपल्सन के बारे में, बीएससी पीआर थ्योरी में बताया था रिपल्सन के बारे में, लोन पेयर रिपल्सन और मैक्सिमम, है ना, प्रिंसिपल किसका रिपल्सन आएगा बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर से बात क्या आएगा बेटा, बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना है 180 डिग्री पर, एक लोन पेयर को ऊपर रखो दूसरे के नीचे, है ना, या फिर एक को इस साइड रखो दूसरे को इस साइड रखोगे, क्या ये सी वाला पॉसिबल है बेटा, सी वाला स्ट्रक्चर? नो सर। सी वाले देखो, जो लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री दिख रहा है बेटा एंगल। यस
तो मतलब यहाँ पर रिपल्शन मिनिमम नहीं है, बहुत सारे रिपल्शन यहाँ पर है, तो सी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो या तो ए होगा या तो बी, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या आंसर सही है बेटा, या तो ए सही है या फिर बी सही है, तो केवल दो स्ट्रक्चर करेक्ट है, बाकी जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों है बेटा, क्योंकि इन दोनों देखो एंगल कितना है बेटा, यहाँ पर लोन पेयर के बीच कितना एंगल है, निकालो एंगल, यहाँ पर एक ऊपर लोन पेयर दूसरा नीचे है 180 डिग्री। इसमें देखो बी वाले में यहाँ पर एंगल कितना है 180। ए और बी में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, टेबल स्ट्रक्चर होगा ए और बी। ठीक है, और सी वाले में रिपल्शन ज्यादा है इसलिए पॉसिबल नहीं है ना। अब तुम लोग कुछ सोच रहे होगे यहाँ पर कि ये वाला स्ट्रक्चर भी तो होगा, जिनान यहाँ बीच में है, एक लोन पेयर यहाँ पर लगा दें, दूसरा लोन पेयर यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, यहाँ पर भी 180 डिग्री एंगल है यहाँ पर, ये भी तो सही है बेटा, है ना। यहाँ इस तरह भी तो कर सकते हैं बेटा, एक लोन पेयर को यहाँ पर इस साइड इस कॉर्नर पर, दूसरे को इस कॉर्नर पर लगा दिया, है ना, तो ये भी तो करेक्ट है। तो एक्चुअली जो ए बी और ये तुमने बनाया, मान लो इसको डी बोल देते हैं, ठीक है, ए बी डी, ये तीनों स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, बस अलग अलग एंगल से तुम देख रहे हो यहाँ पर। yes, sir. ठीक बेटा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो तुमने एक को यहाँ पर लगा, इस कॉर्नर पर लगा दिया, जो मैंने यहाँ पर देखा हाईलाइट हो रहा होगा, ठीक है, पर्पल कलर का, एक तुमने यहाँ पर लगा दिया लोन पे, दूसरा लोन पर यहाँ पर है, ठीक है, एक लोन पर यहाँ पर है, दूसरा लोन पर यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, पर्पल वाले के बीच में 180, है ना, 180। अगर इसको तुम रोटेट कर देते हो इस तरह से, हाँ, अगर इसको रोटेट कर दो किस तरह से, देखो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो गया, तो अब देखो बेटा मैंने वहीं पर दिया था, अब देखो जो लोन पर ऊपर नीचे आ गया, है ना, अभी भी स्ट्रक्चर क्या है बेटा, स्ट्रक्चर तो वही है ऑक्टाहेड्रल, है ना। अब यहाँ देखो चेंज नहीं किया, मतलब कि जितने भी बॉन्ड है सब इक्विवेलेंट बॉन्ड है, चाहे वो प्लेन में हो चाहे ऊपर चाहे नीचे हो, हर एक बॉन्ड इक्विवेलेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो लोन पर अगर 180 डिग्री पर लगाओगे तो सेम स्ट्रक्चर ही मिलेगा, चाहे तुम कहीं पर लोन पर लगाओ 180 डिग्री पर, ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर जनरेट होगा। लेकिन अगर तुमने लोन पर अगर तुमने यहाँ लगा दिया, दूसरा लोन पर तुमने कहाँ लगा दिया बेटा, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया, इसके बीच में क्या एंगल है 90 डिग्री है ना, देखो 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर। yes. तो ये अनस्टेबल, मतलब अगल बगल लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे, आगे सीखेंगे बहुत सारी चीजें, अभी मैं तुम्हें डीपीपी नहीं दूंगा, तुम लोगों को, हाँ बोलो सर, ये जो CLF3 वाला स्ट्रक्चर है उसमें भी 90 डिग्री पे है लोन पेयर? CLF3 में बेटा 90 डिग्री पर लोन पेयर नहीं है, CLF3 में तुमने देखा होगा CLF3, ठीक है, CLF3, यहाँ पर CL है, सॉरी यहाँ पर F है, यहाँ पर F है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर जो एंगल है बेटा 120 डिग्री है सर लोन पेयर, है ना बेटा, लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर है, है ना, एक ही लोन पेयर है ना वहाँ पर, CLF3 कहाँ गया, मैं बता रहा हूँ CLF3 यहाँ पर है, तो लोन पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है 120 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा जो CLF3 का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्चुअली बेंट रूल आ जाता है, यहाँ पे बताऊंगा जो मिनिमम रिपल्शन कैसे, यहाँ पर हर एक कंबिनेशन तुम लेते हो, ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर, तीनों को काउंट किया जाता है, और काउंट करने पर जो मिनिमम एनर्जी जहां पर आएगा, जहां पर रिपल्शन मिनिमम होगा उसको लेते हैं, और ऐसा पाया गया कि अगर दोनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर है तो वहां पर मिनिमम रिपल्शन होता है, जिसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और किसी कोई डाउट है? यस सर, कोई डाउट?